गुड इवनिंग गाइस। हाउ टू एक्सेस रैंक, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या है, वाईफाई से कनेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है यार। रैक एक्सेस एनबी, फाइन। आप ऊपर लैब में जाओगे, वहाँ आपको NBCCNP के नाम से एक वाईफाई मिलेगा, फाइन। उसको आपको कनेक्ट करना है, उसका पासवर्ड क्या, आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, किसी से भी पूछ लेना जो सेम रैक को एक्सेस कर रहे होंगे, फाइन। अब एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको कहानी समझाऊँ, मैं यहाँ एक यूज़र बैठा हूँ, मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक मेरे को वाईफाई ऐसा ही बनाना आता है भाई, ठीक है जी। ये वाईफाई किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से, और वो रैक भी किससे कनेक्टेड है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, स्विच से। ये मेरी रैक है, ठीक है जी। मैं एक्सेस करता हूँ, कनेक्ट होता हूँ इस वाईफाई से, फाइन। मुझे क्या मिलता है, एक आईपी मिलता। इस रैक पे भी क्या है, एक आईपी है। पहले मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ कि मेरा कंप्यूटर इस रैक से रीचेबल भी है या नहीं। रैक के अंदर क्या क्या अभी बात करेंगे, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया भाई, मैं कनेक्टेड हूँ। फिर मैं गया प्रॉपर्टीज में, सॉरी स्टेटस में, मैंने डिटेल्स चेक करी, डिटेल्स में मुझे दिखा, हाँ भाई मुझे आईपी मिल रहा 10.0.0.63, जो भी मिल रहा। आईपी मिलते ही मैं पिंग करके देखूंगा किसको, रैक को। रैक की आईपी क्या, 10.0.0.135, ठीक है जी, पिंग हो रहा। इसका मतलब रैक और मेरे बीच में कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं रैक को कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, रैक में एक एक्सेस सर्वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अभी मैंने रैक के किसी डिवाइस को एक्सेस नहीं किया, मैंने एक्चुअली किसको एक्सेस किया, एक्सेस सर्वर को। ये जो 10.0.0.135 आईपी है, ये एक्चुअली किसकी है, एक्सेस सर्वर, ठीक है जी। अब एक्सेस सर्वर से मैंने सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट किया हुआ है, स्विच वन, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव। मैंने एक्सेस सर्वर से सारे डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं। और मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक्चुअली एक्सेस किसको किया, एक्सेस सर्वर। एक्सेस सर्वर से सारे डिवाइस कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मतलब मैं सारे डिवाइसेस को एक्सेस किसके थ्रू करूंगा, कंसोल पोर्ट के थ्रू। अब एक्सेस सर्वर मुझे एक वे प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू मैं यहां बैठा बैठा भी सारे डिवाइस को कंसोल के थ्रू क्या कर पा रहा हूं, एक्सेस। वो वे क्या है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। उस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या, रैक को यूज करना है, ठीक है जी। एक एनवायरनमेंट बनाया गया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने एक्सेस सर्वर पे, जिसकी वजह से मैं पहले एक्सेस सर्वर को एक्सेस करता हूँ, और एक्सेस सर्वर मुझे किसका एक्सेस देता है, इन सब डिवाइसेस का, और किस कौन से पोर्ट के थ्रू देता है, कंसोल पोर्ट के थ्रू, ठीक है जी। अब सबसे पहली बात करते हैं कि ये 9 डिवाइस आपस में कनेक्टेड कैसे, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बताता हूँ आपको स्विचेस कैसे कनेक्टेड है, फिर बताता हूं राउटर्स स्विचेस से कैसे कनेक्टेड है, फाइन।
हाँ जी, 21, 22, 19, 20, अंशिष, अरविंद, चिरंजीना, यस, विपिन, यस, रितेश, गौरव, विजय, गोविंद, नीरज, यस, प्रथम, प्रवीण, यस, प्रवीण वर्मा, प्रवीण वर्मा, यस, और दास, सुजलोक, यस, सुप्रीम, यस, बेगू, यस, विश्वाल, यस सर, पति, और मात्र, यस, अरुण, यस सर, राजन, बच्ची, बच्ची, यस, सलाम stop name post contact number name post ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने क्या रिप्रेजेंट किया है, पोर्ट नंबर्स। तो डिवाइस पे पोर्ट नंबर आपको इस तरह से भी मिल सकता है। पोर्ट नंबर ये एंड वाली वैल्यू होती है यार, फाइन, ये रिप्रेजेंट करता है स्लॉट नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट कैन बी लाइन कार्ड नंबर और इट कैन बी सब स्लॉट नंबर। एक स्लॉट के अंदर दो स्लॉट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। कई स्विचेस पे क्या होता है, बड़े स्लॉट को तीन स्लॉट्स में डिवाइड किया होता है, और कई में क्या होता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, फाइन, उनका नंबर ही अलग होता है, फाइन। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर के बारे में। ठीक है जी। यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, 21, और यहाँ भी क्या है, 21। तो अगर आपसे मैं पूछूँ स्विच 1 और 2 कैसे कनेक्टेड है, तो पोर्ट नंबर 22। स्विच 3 और 4 कैसे कनेक्टेड है, 21 एंड 1 एंड 3 कैसे कनेक्टेड है, 19 एंड 20। 3 एंड 4 कैसे कनेक्टेड है, 19 एंड 20, सॉरी 2 एंड 4, 19 एंड 20। 1 एंड 3 कैसे कनेक्ट, 1 एंड 4 कैसे कनेक्टेड है, 23। 2 एंड 4 कैसे कनेक्टेड है, सॉरी 2 एंड 3, 23। दिस इज फुल मैश टोपोलॉजी, फाइन। तो इस तरह से मेरी रैक में स्विचेस कनेक्टेड है आपस में। आपको पता है स्विचेस के पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, अप होते हैं, तो उन्हें नो शट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, आगे चले। इसमें कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हाउ राउटर सर कनेक्टेड। हमेशा याद रखना, राउटर रैक में सिर्फ दो ही स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, स्विच 1 और स्विच 2, स्विच 1 और स्विच।
आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव। फाइन, राउटर पे दो पोर्ट हैं, जीरो स्लैश जीरो और जीरो स्लैश, हर राउटर पे दो दो पोर्ट्स हैं। जीरो स्लैश जीरो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विच वन से कनेक्ट करने के लिए, और जीरो स्लैश वन यूज़ कर रहा हूँ स्विच टू से कनेक्ट करने के लिए। स्विच वन पे पोर्ट्स कौन से हैं, राउटर कौन सा है, आर वन, तो जीरो स्लैश वन। स्विच टू पे, स्विच थ्री पे, स्विच फोर पे, स्विच फाइव पे, सॉरी स्विच वन पे ही पोर्ट्स कौन से हैं, जीरो स्लैश टू, थ्री, फोर और फाइव। स्विच टू का कौन सा पोर्ट है, इजी, ठीक है जी। तो स्विचेस फुली मेस्ट कनेक्टेड है, राउटर सारे किससे कनेक्टेड है, सिर्फ स्विच वन और स्विच टू से। कितने राउटर हैं रैक में, किसी रैक में चार राउटर हैं और किसी रैक में पांच राउटर। फाइन। तो कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी ही टोपोलॉजी क्यों बनाई गई। गाइस, अगर आप मेरे से पूछो कि ऐसी ही टोपोलॉजी क्यों बनाई गई, तो इसका एक नॉर्मल सा रीजन है गाइस। टोपोलॉजी होती है दो तरह की, फिजिकल और लॉजिकल। ये मेरी क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी। इसको मैं किसी भी लॉजिकल टोपोलॉजीज में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मुझे आता है फिजिकल टू लॉजिकल कन्वर्ट करना। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें कभी भी लेयर टू डिवाइसेस नहीं होते। कौन से डिवाइसेस नहीं होते, लेयर टू। देखो अब मेरे पास चार राउटर है, मैं चार राउटर को कनेक्ट तो ऐसे भी कर सकता हूं, आर वन को किससे कनेक्ट कर लो, आर टू को किससे कनेक्ट कर लो, कनेक्ट तो मैं चार राउटर को ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है हर राउटर के बीच में क्या है मेरे पास, स्विच है, फिर कनेक्ट कैसे करूंगा। कुछ बात समझ में आई, देखो मेरे को ऐसी टोपोलॉजी बनानी है रैक पे, बना तो मैं सकता हूं, वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी। आपस में बांट देना, आपस में नहीं, इनको बांट देना भाई ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस टोपोलॉजी को देखूं अपनी, जो मेरी मेन फिजिकल टोपोलॉजी है, दिख रही है आपको, इस केस में तो R1, R2, R3, R4, R5 सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, क्योंकि केस क्या है समझो, इस केस को एक टोपोलॉजी ये है, देखो ये स्विचेस कनेक्टेड है आपस में ऐसे, और ऐसे स्विच वन और स्विच टू के साथ कौन कनेक्टेड है, राउटर, ये सारे जो किसमें है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। लेकिन अगर मैं यहां देखूं जो डायग्राम में बनाना चाहता हूं, इसमें कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक, दो, तीन, चार। भाई एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब पता है ना, फालतू की बात नहीं, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है एक सिंगल नेटवर्क। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं अपना मेन डायग्राम देखता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये सारे किसमें पड़े हुए हैं, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट। भाई अगर R1 यहां से ब्रॉडकास्ट सेंड कर देगा ना, वो हर एक के पास जाएगा, हर एक के हर पोर्ट पे। देखो ये टोपोलॉजी नीचे और ये टोपोलॉजी ऊपर, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं आपको टोपोलॉजी का, पर छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर, ठीक है। Who is connected like this? R1. Fine. After that we have R2. After that we have R3. After that we have R4. This kind of topology we are having. ये port number कौन सा?
और ये कौन सा? फाइन, अब मैं क्या कह रहा हूं, आर वन ने यहां से आर जनरेट करी किसी भी आईपी के लिए, तो जाएगी किसके पास? पहले स्विच टू के पास, स्विच टू से स्विच वन के पास, ठीक है जी, और स्विच वन से फिर सारे के राउटर के पास जाएगी, क्योंकि ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन से। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ये किससे बिलोंग करते हैं सारे? सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन से, ठीक है जी। और एक बात बताओ, कभी भी राउटर के दो इंटरफेसेस पे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है? नहीं, नहीं होती ना, लेकिन इस केस में है, क्योंकि आर वन कनेक्टेड कैसे है? दिस इज आर वन, दिस इज स्विच वन, दिस इज स्विच टू। देखो अब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है या नहीं है? है ना, इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट मुझे डिफरेंट नेटवर्क की आईपी देनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन राउटर डायग्राम क्या कह रहा है कि ये दोनों इंटरफेस तो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, तभी मैंने क्या कहा ये सारा डायग्राम किसमें है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि ये क्या है मेरी एक फिजिकल टोपोलॉजी, जिसको अभी तक मैंने लॉजिकल टोपोलॉजी में कन्वर्ट नहीं किया। यार नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल डायग्राम सारा किसमें है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, अगर आपको समझना है तो। भाई एक और बात आती है यार, अगर मुझे इस फिजिकल से एक लॉजिकल डायग्राम बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या बनाना है मुझे? एक लॉजिकल डायग्राम, और कौन सा बनाना है? यही ये लिखा हुआ है आपके सामने, बना हुआ है आपके सामने, आर वन और आर टू के बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए, आर टू और आर थ्री के बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए, आर वन और आर फोर के बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए, और आर फोर और आर थ्री के बीच में एक अलग नेटवर्क होना चाहिए। टोटल नेटवर्क कितने चाहिए? टोटल नेटवर्क नीडेड कितने चाहिए? चार। अभी मेरे पास है कितने? एक। एक स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने के लिए क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वीलैन, ठीक है। तो वीलैन के थ्रू क्या करूंगा मैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर दूंगा। कैसे? अब देखो, ये मेरा फिजिकल डायग्राम है, लेट से लॉजिकल बनाना चाहता हूं मैं। आर वन किससे कनेक्टेड है? आर टू से। आर टू किससे कनेक्टेड है? आर थ्री से। हर राउटर पे दो पोर्ट है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कौन से पोर्ट्स हैं? हर राउटर पे दो पोर्ट है, सबको पता। अब मैंने वीलन असाइन कर दी, वन और टू के बीच में कौन सी वीलन ले ली? बारह। टू और थ्री के बीच में कौन सी वीलन ले ली? तेईस। वन और फोर के बीच में कौन सी वीलन ले ली? चौदह। चार और तीन के बीच में कौन सी वीलन ले ली? 43। ठीक है भाई, अब नॉर्मल सी बात देखो, ये डायग्राम है दिख रहा, आर वन का एफ ए जीरो स्लैश जीरो कौन सी वीलन का मेंबर है? 12। मतलब मैंने स्विच के इस पोर्ट को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया? 12। कौन से पोर्ट को? जीरो स्लैश वन को। आर वन का जीरो स्लैश वन कौन सी वीलन का मेंबर है? 14। इसका मतलब स्विच टू के जीरो स्लैश वन को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया? 14। ठीक है जी, आर टू का जीरो स्लैश जीरो कौन सी वीलन का मेंबर है? 12। इसका मतलब स्विच टू के जीरो स्लैश टू पोर्ट को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया? 12। आर टू का जीरो स्लैश वन 23। मतलब स्विच टू के जीरो स्लैश टू पोर्ट को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया? 23। यार वीलन का मेंबर बनाते ही ब्रॉडकास्ट डोमेन अपने आप क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी ना। अब आर थ्री का जीरो स्लैश जीरो पोर्ट कौन सी वीलन का मेंबर है? 23 का। तो जीरो स्लैश थ्री को किसका मेंबर बना दिया? 23 का। आर थ्री का जीरो स्लैश वन 43 का। तो जीरो स्लैश थ्री को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया?
43 का 0/4 सॉरी R4 0/0 43 मतलब ये पोर्ट कौन सी VLAN का मेंबर बनेगा 43 और ये पोर्ट 40 बन गया। अब देखूं कि R1 कैसे कनेक्टेड है। देखो R1 स्विच 1 से कनेक्टेड है VLAN 12 में और स्विच 2 से कनेक्टेड है VLAN 14 में। अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गई, अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गई, यस और नो? हो गई ना। मैंने एक नेटवर्क को अपने को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। अगर मैं आपको R1 और R2 दिखाऊं कैसे कनेक्टेड है तो ध्यान से देखो, ये देखो ये R1 कनेक्टेड है किससे, स्विच 1 से यार। किससे कनेक्टेड है R1? स्विच 1 से। स्विच 1 आगे किससे कनेक्टेड है? R2 से। यहां भी VLAN 12 है और यहां भी VLAN 12 है, देख लो ध्यान से। ये पोर्ट 0/1 है और ये पोर्ट 0/2। कोई प्रॉब्लम? अब R1 और R2 किसके वाया कनेक्टेड है? स्विच 1 के वाया। और कौन सी VLAN से बिलोंग करते हैं? VLAN 12 से। दिस थिंग इज क्लियर? एक मिनट रुक जाओ। अब देखो ध्यान से, VLAN भी चली गई। R3 का 0/1 किसमें? R4 का 0/0 है 44/14 में। अब देखो जी ध्यान से, R1 ठीक है, फिजिकल डायग्राम दिखा रहा हूं अब इसी का। पहले लॉजिकल बनाया, इस लॉजिकल को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? R1 किससे कनेक्टेड है एक्चुअली? स्विच 1 से। स्विच 1 का पोर्ट कौन सा है? दूसरा पोर्ट कौन सा है? ये किससे कनेक्टेड है? R2 से। दोनों किसमें है? VLAN कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब R2 किससे कनेक्टेड है? R2 का 0/1 किससे कनेक्टेड है? स्विच 2 से। भाई देखो ना, R2 का 0/ कौन सा पोर्ट है? 1 है। देखो यार, R2 का 0/0 तो हो गया और R1 का 0/0 भी हो गया, ठीक है ना। R1 का भी एक पोर्ट कवर हो गया और R2 का भी एक पोर्ट कवर हो गया। R2 अब किससे कनेक्टेड है? स्विच 2 से। कौन से पोर्ट से? स्विच 2 का कौन सा पोर्ट है? 0/2। VLAN कौन सी है? 23, ठीक है जी। अब स्विच 2 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से यार। ये देखो ना, इधर किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से। अब स्विच 1 का पोर्ट कौन सा है? 0/3, जिससे कौन कनेक्टेड है? R3। ये भी किसमें है? VLAN 23 में। ये ओवर द ट्रंक बात कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम इसमें? VLAN 23 एंड 23 कैन कम्युनिकेट ओवर दिस ट्रंक पोर्ट, एनी इश्यूज? अब R3 किससे कनेक्टेड है? R3 कनेक्टेड है, वेरी गुड। स्विच 3 से। स्विच 3 किससे, सॉरी स्विच 2 से। स्विच 2 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से। ये पोर्ट कौन सी VLAN में है? 43 में। स्विच 1 से कौन कनेक्टेड है? R4। ये भी कौन सी VLAN में है? 43 में। इसका पोर्ट कौन सा? 0/4। R4 का पोर्ट कौन सा? 0/0। ये पोर्ट क्या है? ट्रंक। स्विच 3 का पोर्ट नंबर क्या है? स्विच 2 का पोर्ट नंबर क्या है? सॉरी 0/3, दिख रहा है ना पोर्ट? और इधर पोर्ट नंबर क्या आएगा? 0/1। अब R4 किससे कनेक्टेड है? R1 से। R4 एक्चुअली किससे कनेक्टेड है? स्विच 2 से। स्विच 2 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से। और स्विच 1 किससे कनेक्टेड है?
R1 से, और यहाँ VLAN कौन सी चल रही है 14। तो ये क्या है मेरा फिजिकल डायग्राम, और ये क्या है मेरा लॉजिकल डायग्राम। आपको ये डायग्राम पता होना हो, आपको ये फिजिकल पता और ये क्या पता लॉजिकल, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन असली में सेपरेट कैसे हुई। एक स्विच पे आप वीलन बना देते थे आज तक तो आप यही करते थे, एक स्विच लिया, इधर वीलन को यूजर को 10 में डाल दिया, इधर को 20 में डाल दिया, तो आपने बोल दिया दो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई। भाई ऐसा भी तो होगा कि 10 वाला 10 से बात करेगा और 20 वाला 20 से, तो दो नेटवर्क भी तो क्रिएट हो गए अलोंग द स्विच। फाइन, ये दो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गई ना। अब यहाँ भी एक राउटर लगा दो, यहाँ भी एक राउटर लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये हो गया। यही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यही काम तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। बीच में क्या लगा दिया हमने राउटर। तो फिजिकल टू लॉजिकल कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप क्या पढ़ोगे CCNP राउट। क्योंकि CCNP स्विच में मेरे को आपको कोई भी राउटिंग का प्रैक्टिकल नहीं कराना है, मेरे को सिर्फ किसके प्रैक्टिकल कराने हैं स्विचिंग के। तो हम मोस्टली कौन सी टोपोलॉजी की बात करेंगे, इस टोपोलॉजी। ये आपको याद होनी चाहिए कि स्विच वन और स्विच टू कैसे कनेक्टेड है, 21/22। यार बहुत आसान है, देखो स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री स्विच फोर 21/22 21/22 19/20 19/20 23/24 23/24 में, ठीक है जी। बस आपको ये याद रखना स्विच वन का है, टू का है, थ्री का है और फोर का। अब रैक में पता कैसे चलेगा कि डिवाइसेस कनेक्टेड कैसे हैं? एक प्रोटोकॉल यूज करूंगा जिसका नाम है CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब बता देता हूं रैक को एक्सेस कैसे करना। अब फिजिकल टोपोलॉजी सिर्फ मेरे दिमाग में है, कहीं बनी नहीं हो, याद रखना। हाँ दो बुक्स आ गई है, आप दे दो। एक तो पाजी की है, सौरभ दास की, यशपाल सिंह डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो ऐसे टोपोलॉजी को याद रखना है, स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री स्विच फोर 21/22 21/22 19/20 19/20 23/24 बात खत्म। और पोर्ट नंबर सेम है, डिफरेंट भी नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं होगी याद करना। जितनी जल्दी याद कर लोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा, वरना कई बार क्या होता है हम आधे से भी ज़्यादा CCNP स्विच खत्म कर चुके होते हैं और सामने वाले बंदे को बैठे हुए ये नहीं पता होता टोपोलॉजी चल गई है। क्योंकि मैं रोज डायग्राम बनाऊंगा नहीं, आपके माइंड में होनी चाहिए क्या टोपोलॉजी है, ठीक है जी। तभी आप मेरी गलती पकड़ सकते हो, वरना तो पॉसिबल ही नहीं मेरी गलती पकड़ना, ठीक है जी। आप ट्राई कर सकते हो इस बारे में भी, अगर आपको टोपोलॉजी याद होगी फिर क्या पता पकड़ भी लो अगर मैं कुछ गलत कर गया किसी से। क्योंकि मेरा भी जरूरी थोड़ा ना 100% माइंड यही हो, कहीं और हो सकता है भाई, आप भी तो कहीं और खोए रहते हो क्या बैठे हो, ठीक है जी। तो आपके पास पुटी होना चाहिए रैक को एक्सेस करने के लिए। सिक्योर CRT और सुपर पुटी जैसी भी एप्लीकेशन आती हैं जो आप यूज कर सकते हो। मैं सीधा IP लिखूंगा, रैक का IP क्या 10.0.0.135। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार क्लियर दिखा देता हूँ आपको। देखिए भाई क्या IP लिखा मैंने 135, कौन से पोर्ट पे एक्सेस मार रहा हूँ 23 पे। और मैंने आपको बताया था ये किसका IP है, किसका IP है, ये एक्सेस सर्वर है। कोई प्रॉब्लम किसी को, IP लिख के ओपन कर दूंगा बस, आ गया जी। पढ़ दो पहले इस मैसेज को एक बार। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बैनर। आपने CCNA में बैनर पढ़ा था ना, तो कंपनीज में कभी भी आप किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हो तो ऐसा एक बैनर लगा होता है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होती है। वहां पे ये भी लिखा हो सकता है अगर आपने इस डिवाइस में एक्सेस करने की कोशिश की
तो वी कैन केस FIR अगेंस्ट यू। हाँ ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है जी। क्यों कंपनी का राउटर है आपका, उस पर लॉग इन करने का मतलब क्या बनता? तो पहली लाइन लिखी हुई है, प्लीज डू नॉट इरेज iOS ऑफ एनी डिवाइस इन द रैक। अगर आपको iOS खेलना है तो आप CCNA की रैक में जाओ, लैब में जाओ और वहां खेलो, ठीक है जी। यहाँ पे आप iOS ने डिलीट करोगे। डू नॉट सेव योर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिवाइस, डिवाइस पे कभी भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करनी। अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव रखने का मेथड मैं आपको बताऊंगा, फाइन। वैसे इसने लिख ही रखा, नोट पैड पे बैकअप ले लो, शो रन या शो स्टार्टअप करके, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बैकअप करनी है। वैसे इतना काम है ही नहीं पूरे CCNP स्विच में कि मुझे कभी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़े, बैकअप पूरे CCNP स्विच में। डू नॉट सेट एनी पासवर्ड, भी सेट मत कर देना डिवाइस पे भाई, ठीक है जी। डू नॉट टेम्पर, इसका मतलब क्या, कई लोग क्या सोचते हैं राउटर यहां नहीं यहां लगा होना चाहिए था, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है जी। तो फिजिकल टोपोलॉजी को आप ऊपर जाके भी रैक में चेंज नहीं कर सकते। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग फिजिकल लेआउट, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एट प्रेजेंट लैब एडमिन। तो यार ये एक्सपेक्ट मत करना तुम रात को 10 बजे के बाद लैब में बैठे और कोई लैब एडमिन मिलेगा, फिर आप सुबह ही पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम। इफ यू गेट कॉट टेम्परिंग फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ द रैक, पेनल्टी विल बी चार्ज्ड। और ये बात मजाक नहीं है, ठीक है जी। This is not fun. Cisco password है, caps off में। अब CCNP 135 किसको किसको दिख रहा है लिखा हुआ, सबको दिख रहा है? ये एक्चुअली क्या है, एक्सेस सर्वर है मेरा। यहाँ ना ही मैं enable प्रेस करूंगा तो enable प्रेस करूंगा तो क्या मांगेगा, password। तो वो password आपको नहीं पता, वापस आ जाओ एक्सेस सर्वर पे। मुझे सिर्फ एक्सेस सर्वर से क्या करना है, अपने डिवाइसेस को एक्सेस करना है। पहला डिवाइस कौन सा, स्विच वन, तो मैं क्या लिखूंगा, SW1। अब क्या कह रहा है, कनेक्शन डिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कभी आपने डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया किया? अगर डिवाइस पर लाइंस फुल होती हैं तो क्या बोलता है, कनेक्शन डिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, कि सामने वाला डिवाइस आप अपने ऊपर कनेक्शन बनाने नहीं दे रहा। प्रॉब्लम पता क्या है, इस पर्टिकुलर रैक को किसी और ने पहले एक्सेस किया था, ठीक है जी। उसने स्विच वन को भी एक्सेस किया था, अब उसने क्या किया, सीधा अपना पुट्टी बंद कर दिया, अपने सेशन को लॉग आउट बंद प्रॉपरली नहीं किया। तो वो क्या कह रहा है, पहले उस बंदे के सेशन को क्या करो, क्लियर करो, तब आप अपना सेशन ओपन कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा, क्लियर लाइन, सिर्फ 38 लिखना है, 2038 नहीं लिखना। लिख दिया मैंने क्लियर लाइन, और कौन से डिवाइस को एक्सेस कर लिया, स्विच वन। तो आपको दिख रहा है मेरे पास स्विच वन का एक्सेस आ गया बहुत ही तेजी से, मैंने होस्ट नेम क्या दे दिया इसको, स्विच वन। अब या तो मैं क्या करूं, देखो किस पे क्लिक करूं, डुप्लीकेट सेशन पे, फिर यह पासवर्ड क्या डालूं, और यहां किसका एक्सेस लूं, स्विच टू का, फिर क्या लिखूं, क्लियर लाइन 30 स्विच टू। आ गया स्विच टू का एक्सेस, या फिर ऐसे एक बार दोबारा क्या करूं भाई, हजार तो जी खराब कर, या फिर दोबारा क्या करूं, एक और डुप्लीकेट सेशन, फिर यहां क्या लिखूं, सिस्को, फिर यहां क्या लिखूं, स्विच थ्री। ऐसे तो पागल ही नहीं हो जाएगा आदमी, पता नहीं यार बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है लैब में बैठे हुए बच्चे पांच पांच छह से सेशन खोल के बैठे होते हैं। यार तुम एक बात बताओ, तुम जब कंपनी में जाओगे एक ही स्क्रीन होती है वहां, एक, और एक ही कंसोल खोल सकते हो आप, कितने कंसोल खोलोगे? लेट से अगर आप कहीं सर्विस प्रोवाइडर में जॉब करते हो, किसी कंपनी में एयरटेल वेयरटेल में जॉब करते हो, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या हर डिवाइस के कंसोल खोल के बैठ जाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। तो अपनी आदत बनानी चाहिए आदमी को कि वो कम से कम कंसोल खोल के काम करे, उसे एक सिंगल कंसोल में ही सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, जैसे मैंने बाकी कंसोल क्या कर दिए,
बंद कर दिए। अब मैं स्विच वन पे हूं, मुझे वापस एक्सेस सर्वर पे आना है। किस पे आना है वापस? तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सिक्स और फिर एक्स, कंट्रोल शिफ्ट सिक्स और फिर एक्स। अब यहां क्या लिखूंगा, स्विच आ गया स्विच टू एक्सेस, फिर क्या तो प्रेस किया मैंने कंट्रोल शिफ्ट सिक्स और एक्स, फिर यहां क्या लिखा स्विच थ्री। ये सिंगल कंसोल चल रहा है अब, जिसमें स्विच वन भी ओपन कर चुका हूं, टू भी और अब थ्री भी। अब किसकी बारी आ गई है, क्लियर लाइन 41 स्विच। कंट्रोल शिफ्ट सिक्स एक्स, पहले कंट्रोल शिफ्ट सिक्स प्रेस करना है, जैसे उसको छोड़ोगे फिर एक्स। यूज करो कोई इशू नहीं है मुझे, मैंने तो बोल ही दिया सिक्योर सीआरटी सुपर पुटी, जो जो एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो यू कैन यूज इट, कोई इशू नहीं है। मैं पुटी यूज करता हूं, उसमें एक साथ चार कंसोल खुल जाते हैं ना। बस लोग चाहते हैं ईज, बट पीपल वॉन्ट इजी थिंग्स। ठीक है जी, तो चारों स्विचेस के कंसोल ले लिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा एक्सेस सर्वर पे, कंट्रोल शिफ्ट सिक्स और फिर क्या प्रेस करना है एक्स। आ गया, मैंने क्या प्रेस किया डब्ल्यू, डब्ल्यू कमांड ने मुझे बता दिया कि मैंने किस सीक्वेंस में कनेक्शन ओपन किए थे, किस सीक्वेंस में किए थे, पहले स्विच वन फिर स्विच टू फिर स्विच थ्री फिर स्विच फोर। उस भाई ने क्या किया, हर कनेक्शन को एक नंबर दे दिया, वन टू थ्री और। अब मुझे अगर स्विच फोर पे जाना तो मैं डायरेक्टली क्या प्रेस करूंगा, इस पे आ गया कंट्रोल शिफ्ट सिक्स एक्स, थ्री प्रेस करूंगा तो थ्री पे, टू प्रेस करूंगा तो टू पे, और वन प्रेस कर दूंगा तो वन पे। ठीक है जी, तो जिस सीक्वेंस में आप डिवाइस खोलते जाते हो, हर डिवाइस को एक सीक्वेंस नंबर मिलता जाता है, आप उस सीक्वेंस नंबर को यूज करके भी कनेक्शन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं यार एलियाज यूज हुआ होगा एक्सेस सर्वर पे, वो एक्सेस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे भी नहीं पता। पहले मैं वैसे मैं चेक कर लेता हूँ डब्ल्यू का मतलब क्या होना चाहिए, वेयर कमांड इज वेयर, शायद ये मतलब होगा किस कनेक्शन पे कौन सा डिवाइस प्रेजेंट है। ठीक है, चले भाई स्विच वन पे। अब गर्मी बहुत ज्यादा होगी ना भाई, वो चला दो ना एक पीछे देखो ऊपर लगा हुआ है गोल गोल ठंड करने वाला भाई। अरुण ऑन करिए उसको, तुमसे ना हो पाएगा, पीछे देखो भाई। तो मैं दोबारा किस पे आ गया स्विच वन। अब मेरे को चेक करना है स्विच वन कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है। शो किससे कनेक्टेड है, स्विच टू से दिख तो रहा है लिखा हुआ। ओके ओके ओके, ऐसा भी है तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ऐसे तो बहुत कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखा रहा है, किससे कनेक्टेड है, इसमें तो स्विच थ्री और फोर दिखाई नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहा। भाई फुल मैश टोपोलॉजी थी तो स्विच वन टू से भी कनेक्टेड है, थ्री से भी और फोर से भी, बाकी क्यों नहीं दिखा रहा। चेक कर लेते हैं यार, शो इंटरफेस स्टेटस, ये लो जी आप ध्यान से देख लो एक बार, बाकी सारे पोर्ट्स क्या पड़े हैं, सिर्फ 21 और 22 ही क्या है कनेक्टेड। डिसेबल्ड का मतलब क्या, आप कौन बताएगा। क्या पड़े हैं पोर्ट्स, शट डाउन। कोई आप जैसा भाई कॉन्फ़िगरेशन करके गया है और सारे पोर्ट्स को क्या कर गया है, शट डाउन। तो इस सारे पोर्ट्स को नो शट कर लेते हैं, इंटरफेस
रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 to 24 नो शक। अब कौन से स्विच पे चलते हैं? यही पोर्ट्स है 19 से 24 जो मैंने स्विचेस में आपस में यूज किए होंगे। आपको कल की छुट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी? तो बहुत खुश हो गए होगे आप लोग, क्यों? सुबह क्यों आए थे? बैंक से 6:30 बजे था, 10:30 आ गए थे। अगली बार यार एक दिन पहले ही बता दूंगा। हाँ यार वो है ना, हाँ गांधी जी पैदा हुए थे या मरे थे? कुछ तो था, जो भी था। मोदी भी एक चलती फिरती छुट्टी है मिलने वाली है। कोई नहीं, जो सपना उसने देखा वो पूरा होते देख पाएगा, चिंता ना करो। अच्छा वही होता है जो सामने वालों को लगता है, जैसे आप कभी शीशे ही बनोगे। सपना है अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, कर लोगे तो भी अच्छा है, करना आपको पड़ेगा ना। स्विच 2, स्विच 4 और स्विच 3, ठीक है जी। स्विच 1 तीनों स्विचेस से कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर चेक कर लो एक बार आप, 4 से कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? 2 से, 3 से, कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? ठीक है जी, यही टोपोलॉजी थी हमारी। नहीं सर, आपकी बुक में नहीं है शो सीडी पे नेबल डिटेल का मान। यार अगर मैं सीडीपी के पैकेट को खोलता हूँ ना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसी की डिटेल है। डिटेल क्या? सामने वाला डिवाइस कौन सा? अब एंट्री एड्रेस में वैसे अगर उस पर कोई SVI बना होता ना, तो उस SVI की IP आ जाती। अभी कोई IP नहीं है, कोई SVI नहीं है। क्या बता रहा है? सामने वाले स्विच का प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये। अब कैपेबिलिटी स्विचिंग तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन IGMP एक प्रोटोकॉल है जो मल्टीकास्टिंग में यूज करते हो आप। ये पर्टिकुलर स्विच IGMP को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद पोर्ट नंबर कौन सा है? पोर्ट ID क्या है? आउटगोइंग पोर्ट कौन सा है? अब दो पोर्ट्स हैं यहाँ पे, देखो यहाँ एक लोकल इंटरफेस है, एक पोर्ट ID है। लोकल इंटरफेस का मतलब है स्विच 1 का इंटरफेस, क्योंकि मैं स्विच 1 से वेरीफाई कर रहा हूँ, और पोर्ट ID का मतलब है स्विच 4 का इंटरफेस नंबर। किसका इंटरफेस नंबर? स्विच 4 का। दिस थिंग इज क्लियर। अगली इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है? iOS वर्जन कौन सा? फाइन, ये सारी iOS की इंफॉर्मेशन है। ये एडवर्टीजमेंट वर्जन 2 का मतलब है गाइस, आपका जो CDP वर्जन है कौन सा यूज हो रहा है? 2, ठीक है जी। ये VTP डोमेन नेम देखो, CDP भी कैरी करता है इसको। किसको? VTP डोमेन नेम को। VTP डोमेन नेम क्या है? सामने वाले इंटरफेस पे मैंने डुप्लेक्स किया है, फुलिया हाफ, इसकी इंफॉर्मेशन भी कौन कैरी करता है? CDP। पर CDP यार CCNA का टॉपिक है, CCNP का टॉपिक नहीं। तो मैं स्विच 1 पे वापस आया, शो CDP नेबर। तो हमने देखा स्विच 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी और 4 से भी। स्विच 2 पे सेम चीज वेरीफाई कर सकते हैं चल के, शो होगी वेरीफाई। 4 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी और 3 से भी। यार ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ है भी तो मुझे नहीं पता, इतना सोचा नहीं मैंने कभी, ठीक है जी। क्योंकि रियल टाइम में आप ये कमांड ऐसे नहीं चलाते, ऐसे चलाते हो। मुझे पोर्ट नंबर पता होता है, मेरे को ये देखना होता है उस पोर्ट नंबर से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है जी। ऐसा मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया, ना कभी ध्यान दिया इस बात पर। शो CDP नेम। और शायद ऐसा भी हो सकता है इन अ सीक्वेंस दे आर डिस्कवर्ड, पहले इसने 4 को डिस्कवर किया हो, फिर 2 को, फिर 1 को। मैं सिर्फ एक तुक्का मार रहा हूं।
शो सीडीपी, यहाँ भी सारा दिखा रहा, कहीं राउटर नहीं दिखा रहा, क्यों? राउटर के पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या पड़े हैं? शट। तो अगर मैं किसी राउटर को एक्सेस करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डुप्लीकेट सेशन बना लेते हैं इस टाइप, किसको यहाँ किसको एक्सेस कर लेते हैं, आर वन को, क्लियर लाइन 33 यहाँ क्या लिखा दोबारा, यार कौन टी होस्ट नेम इंटरफेस FA0/0 नो शटडाउन, इंटरफेस FA0/1 नो शटडाउन, हो गया जी। मैंने दोनों इंटरफेसेस को नो शट कर दिया। अब R1 किससे किससे कनेक्टेड है, स्विच 1 से भी और स्विच 2 से भी, तो स्विच 1 स्विच 2 पे दिखना चाहिए कि R1 कनेक्टेड है। चले भाई स्विचेस पे, कौन से स्विच पे चलो, शो CDP भाई आए नहीं, या तो R1 तो शो इंटरफेस स्टेटस, देखो FA0/1 क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब राउटर है तो कनेक्टेड, अगर नहीं आना होता तो नॉट कनेक्टेड लिखा होता या डिसेबल्ड लिखा होता या फिर एरर डिसेबल्ड लिखा होता, या लिखा क्या हुआ है कनेक्टेड, इट मीन्स इट विल टेक सम टाइम। R1 आ गया, कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0/1 पे, और R1 का खुद का पोर्ट नंबर क्या है, 0/0, वेरीफाई हो गई बात। अब चलो स्विच 2 पे, यहाँ भी कौन कनेक्टेड है, R1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, दिस थिंग इज क्लियर, फाइन। तो जब आप राउटर्स के बोर्ड को नो शट करोगे तो शो CDP नेबर में दिखाएगा, ऐसे कभी भी शो CDP नेबर में नहीं दिखाएगा। अब लेट्स से यार मैं चाहता हूं कि स्विच 1 के इंटरफेस नंबर FA0/1 पे, कौन से इंटरफेस नंबर FA0/1 पे CDP को डिसेबल करना चाहता हूँ, किसको डिसेबल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, देखो बहुत आसान है, इंटरफेस FA0/1 नो CDP एनेबल, क्या कमांड चला दी, तो CDP को क्या कर दो, डिसेबल। जैसे ही मैं अपने एंड में CDP को डिसेबल करूँगा, CDP की एंट्री जाएगी, थोड़ा ना वेट करेगी, साथ के साथ थोड़ा ना चली जाएगी यार, होल्ड टाइम क्या है CDP का 180 सेकेंड्स, कितना होल्ड टाइम, राउटर पे चल गए, मजा यहाँ आएगा। स्विच 1 भी दिखा रहा है, स्विच 2 भी दिखा रहा है। अब स्विच 1 वाली एंट्री देखो क्या टाइम हो गया, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेलो टाइम होता है CDP का 60 सेकेंड, होल्ड टाइम होता है 180 सेकेंड, मतलब 120 सेकेंड पे एंट्री हमेशा रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है जी। अभी ये टाइमर 120 से नीचे जा चुका है और 90 सेकंड के बाद ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि स्विच 1 कोई भी इसको CDP का मैसेज नहीं भेज रहा, क्यों नहीं भेज रहा आपको रीजन पता है, क्योंकि मैंने CDP को क्या कर दिया, डिसेबल, ठीक है जी। CDP की एंट्री तभी दिखाएगा जब दोनों तरफ CDP एनेबल होगा, याद रखना CDP काम तभी करेगा जब दोनों तरफ क्या होगा, एनेबल। देखो इस तरफ भी टाइमर 120 सेकंड से नीचे जा चुका है और 97 सेकंड के बाद ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, फ्लश। अगर मैं क्लियर करूंगा CDP टेबल को तो पूरी CDP टेबल क्लियर होगी, पूरी होगी क्लियर, अब दोबारा बनेगी, जिससे क्या होगा जो मेरी एंट्रीज फ्लश करना चाहता था मैं, एट द सेम टाइम क्या हो जाएंगी, फ्लश हो जाएंगी, मेरे को 120 सेकंड के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी, बन जाएंगी, ये तो टाइम लगेगा। और देखने के लिए किसी इंटरफेस पे CDP एनेबल्ड है या नहीं, शो CDP
इंटरफेस एफ एस जीरो स्लैश वन है एनेबल्ड, टू पे क्या अनेबल्ड है, दिख रहा है ना, लेकिन वन पे अनेबल्ड नहीं है, तभी कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? डी टी बी का प्रैक्टिकल कर ले अगर इजाजत दो आपकी, करें आ गए भाई स्विचेस दोबारा देख लो। हाँ भाई, तो आपके सामने मेरे पास ये डायग्राम है कुछ ऐसा। एक काम करते हैं, यहां पे बनाते हैं हम, यहां ऑटो चलाएंगे और यहां के चला देंगे डिजायर। यार मेरे को ना आपको कॉम्बिनेशन दिखाने हैं बस, सारे बात खत्म। और कौन सा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं हम? ऑटो ऑटो भी देखना है, ये लो ऑटो ऑटो भी देख लेंगे, दिखाई देता हूँ यार। आपको डायग्राम याद है ना? बस ठीक है, बोलो जय माता दी और चल पड़ो। हाँ जी सर, जब नहीं 30 सेकंड भाई वीडियो पे सर 60 सेकंड बताया यार, वो वही कह रहा हूँ ना, हर चीज दिमाग में नहीं रहती, तो अपनी बुक भी पढ़ लिया करो ठीक है। वो तो मैं उस बात को ठीक कर देता अगर मैं प्रैक्टिकल साथ के साथ करा देता। सेंडिंग डी टी बी हेलो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, डायनेमिक ट्रंक टाइम आउट इज 9 इंटरफेसेस यूजिंग डी टी बी। अब केस पता क्या है, स्विच के 9 इंटरफेस अब पड़े हुए हैं, आपको 9 इंटरफेस से ज़्यादा आप मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहली बात बताई थी कि स्विच के हर इंटरफेस पे क्या एनेबल्ड होता है बाई डिफॉल्ट, डी टी पी। डी टी पी इज एनेबल्ड ऑन ईच एंड एवरी इंटरफेस एंड बाई डिफॉल्ट एवरी इंटरफेस ऑफ स्विच इज इन विच मोड, डायनेमिक ऑटो, शो इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश वन स्विच पोर्ट। ये किस मोड में है? डायनेमिक डिजायरेबल क्यों है? किसी ने ना जबरदस्ती कमांड चला रखी है क्या? स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, वरना इसका मोड क्या होता बाई डिफॉल्ट? डायनेमिक ऑटो। क्या होता? डायनेमिक ऑटो। तो मेरे को अपना कौन सा इंटरफेस देखना है, ध्यान से देखो, 0/21 देखना है, 21। अरे रुक जाओ यार, ये कमांड क्या करेगी, सारे इंटरफेसेस जितने भी हैं 19 से 24 उनको किस पे ले आएगी, उनकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। भाई यहाँ किसी ने टोपोलॉजी का बहुत सारा हिला रखा, तो मेरे को हर स्विच पे जाके कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैं वापस आ गया वन पे। इंटरफेस देखो जी, शो इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश 19 स्विच पोर्ट, बाय डिफॉल्ट मोड क्या? डायनेमिक डिजायरेबल। यार ये 3750 स्विच होगा, अब ये भी 3750 है, 3750 पे भी डायनेमिक डिजायरेबल होता है। ठीक है जी, 3750 पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डायनेमिक डिजायरेबल। सिर्फ 2950 पे आपको क्या मिलेगा? डायनेमिक ऑटो। तो मैंने देखा शो इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश 21, आगे का मैंने चलाई स्विच पोर्ट, क्या दिखा रहा है मोड क्या? डायनामिक डिजायरेबल होने की वजह से बन क्या रहा है? लिंक ट्रंक। अब दूसरी बात क्या है, एनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट क्या है? नेगोशिएट। हो कौन सी रही है? नेगोशिएट आईएसएल। और ट्रंकिंग की नेगोशिएशन ऑन है? हाँ भाई ऑन है, इसका मतलब इस इंटरफेस पे डीटीपी काम कर रहा है। ये ट्रंकिंग नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग, ट्रंकिंग का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे डीटीपी ऑफ है या ऑन है, तो क्या दिखा रहा है, क्या इस पर डीटीपी ऑन है। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो जी, मैं चलता हूं स्विच टू पे, शो इंटरफेस एफ ए जीरो स्लैश 21 स्विच पोर्ट, इसका मोड भी क्या? डायनामिक डिजायरेबल। स्विच वन पे भी डिजायरेबल, स्विच टू पे भी डिजायरेबल, तभी क्या बन रहा है? ट्रंक एनकैप्सुलेशन क्या है? नेगोशिएट, कौन सी नेगोशिएट हो रही है? आईएसएल। डीटीपी यहां भी ऑन है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, ये तो बहुत आसान हुआ। शो इंटरफेस ट्रंक क्या दिखा रहा है?
कि 21 और 22 क्या है दोनों डिजायरेबल, कौन सी एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं ISL, और किस मोड में है, ट्रंकिंग मोड में, किस मोड में है, ट्रंकिंग मोड। स्विच वन पे आ जाओ, देखो जी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, क्या कंफिगर कर दिया मैंने मोड। अब मैं स्विच टू पे गया, कॉन टी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो। स्विच वन पे भी ऑटो कर दिया और स्विच टू पे भी क्या कर दिया ऑटो, मतलब ट्रंक फॉर्म नहीं होगा, देख लेते हैं ट्रंक फॉर्म हो रहा है 21-22 पे, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मोड क्या डायनेमिक ऑटो। देखो जी ध्यान से, अब इधर शो इंटरफेस एफ 0/21 स्विच पोर्ट, क्या दिखा रहा है मोड क्या डायनेमिक ऑटो, ऑपरेशनल मोड क्या एक्सेस। अब ये ट्रंक की तरह नहीं काम कर रहा, किसकी तरह काम कर रहा है एक्सेस की तरह, क्यों, क्योंकि सामने भी क्या ऑटो। अगर एक तरफ मैं डिजायरेबल बना दूंगा, लेट से मैं टू पे जाके दोबारा कमांड क्या चला देता हूं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, अब क्या बन जाएगा ट्रंक। देखो जी शो इंटरफेस एफ 0/21 स्विच पोर्ट, इस तरह मोड क्या डिजायरेबल और लिंक कैसा है ट्रंक, लेकिन अगर मैं वन पे चलूं इस तरह मोड कैसा और तो फिर भी लिंक क्या क्योंकि सामने क्या डिजायरेबल, ठीक है जी, ये नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूं कि एक एंड पे डॉट वन क्यू चले और सामने वाला नेगोशिएट कौन सी एनकैप्सुलेशन करे डॉट वन क्यू, बाय डिफॉल्ट दोनों एंडी क्या कर रहे हैं एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट, कैसे करूंगा फास्ट इथरनेट 0/21 से स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, कौन सी चलाना चाहते हो, चलो ठीक है पहले कौन सी चला देता हूं ISL, मैंने इस साइड मैनुअली क्या चला दी ISL शो इंटरफेस। देखो जी 21 और 22 का मैंने मैनुअली क्या चला रखी है ISL, पहले यहां क्या लिखा हुआ था NISL, NISL का मतलब नेगोशिएट हो रही है ISL, और ISL का मतलब मैंने मैनुअली सेट किया है ISL। अब मैं चलता हूं स्विच टू पे, शो इंटरफेस, यहां क्या दिखा रहा है अभी 21 22 पे नेगोशिएट ISL, नेगोशिएट ISL का मतलब कि सामने वाले से क्या कर रहा है नेगोशिएट, कौन सी एनकैप्सुलेशन ISL। अब मैं स्विच वन पे जाता हूं और चेंज कर देता हूं किसमें डॉट वन क्यू, ठीक है जी, देखो शो इंटरफेस एफ 0/21 गलती होगी, गलती स्विच मोड क्या इसका डायनेमिक ऑटो, कैसा काम कर रहा है ट्रंक। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग है एनकैप्सुलेशन, पहले क्या लिखा हुआ था नेगोशिएट, अब क्या आ गया डॉट वन क्यू, क्योंकि मैंने मैनुअली क्या सेट कर दी डॉट वन क्यू, ठीक है जी, और चलेगी भी कौन सी अब इस पे डॉट वन क्यू, अभी भी नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या है ऑन, शो इंटरफेस ट्रंक मोड क्या ऑटो एनकैप्सुलेशन कौन सी है 802.1Q, यहां कौन सी नेगोशिएट कर रहा है 802.1Q, तो एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन आप खेल सकते हो, ठीक है जी, मैंने आपको दोनों सेट करना बता दिया ISL भी और डॉट वन क्यू। अब एक प्रैक्टिकल और कर देते हैं, स्टैटिक ट्रंक कैसे बनाते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं स्विच टू पे स्टैटिक ट्रंक कॉन्फिगर कर लेते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, क्यों यार 1920 स्विच पोर्ट मोड क्या कॉन्फिगर करना है ट्रंक। अब ट्रंक कॉन्फिगर करने से पहले एरर देखना क्या बोल रहा है, ये उस ऑटो की बात नहीं कर रहा, फिर बता रहा हूं अब ये क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रंक लिंक पे नेगोशिएशन आपने क्या ओ एनकैप्सुलेशन क्या की हुई है नेगोशिएशन। रूल क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर पोर्ट को ट्रंक बना रहे हो उस पोर्ट पे एनकैप्सुलेशन स्पेसिफाइड होनी चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर पोर्ट पे एनकैप्सुलेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उसको ट्रंक नहीं बना सकते। अभी आप इस पोर्ट को ट्रंक बना रहे हो उस पे एनकैप्सुलेशन क्या नेगोशिएट, तो कह रहा है एनकैप्सुलेशन को क्या करो चेंज करो, कर दो, मैंने इस साइड क्या कर दी
डॉट वन की, और मोड क्या सेट कर दिया, ट्रंक। क्या मोड सेट कर दिया, ट्रंक। शो इंटरफेस, मोड क्या है, ऑन। एनकैप्सुलेशन कौन सी है, 802 डॉट, और ऑन का मतलब क्या होता है गाइस, स्टैटिक ट्रंक। ऑन का मतलब क्या होता है, एक और चीज, मोड क्या हो गया इसका, लेकिन नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या है, ऑन। मतलब मैंने अगर पोर्ट पे स्टैटिक ट्रंक भी बना दिया, उस पोर्ट पे डीटीपी अभी भी ऑफ नहीं हुआ। ये जो भी डीटीपी मैसेज भेजेगा उसमें अपना मोड क्या सेंड करेगा, ट्रंक। क्या सेंड करेगा यार, तभी तो देखो कंट्रोल शिफ्ट 6x1 शो इंटरफेस ट्रंक। इसका खुद का मोड क्या है, ऑटो, और सामने वाले का मोड क्या है, ट्रंक। और फिर भी क्या बना हुआ है, ट्रंक। फिर भी क्या बना हुआ है, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या सेंड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, डीटीपी पैकेट्स। कैसे वेरीफाई कर सकता हूं, क्या लिखा हुआ है, कितने पैकेट रिसीव हो गए हैं, 20। और मैंने 36 पैकेट सेंड किए हैं। कौन से पैकेट्स की बात कर रहा हूं मैं, डीटीपी की। मेरा मोड क्या है, ऑटो। एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है, 802.1Q। और मेरा लिंक कैसा काम कर रहा है, ट्रंक। हाँ दीपक यार, अभी क्लास ले रहा हूं। एक पैकेट और आ गया, पैकेट कितने हो गए, 29। मैं कौन सा लिंक पे चेक कर रहा हूं, 21 पे। इसका मतलब स्विच टू कंटिन्यूअसली क्या भेज रहा है, डीटीपी पैकेट हर 30 सेकंड के बाद, सॉरी, ठीक है जी। और उसमें अपना मोड क्या भेज रहा है, ट्रंक। ये स्टेट किसकी दिखा रहा हूं मैं आपको, स्विच वन की। क्या बता रहा है, स्विच वन का मोड क्या है, ऑटो। एनकैप्सुलेशन कौन सी सेट है, डॉट वन क्यू। काम कैसा कर रहा है लिंक, ट्रंक जैसा, ठीक है जी। सेम चीज चल के स्विच टू पे चेक करते हैं, शो डीटीपी इंटरफेस FA0/20। मोड क्या है यहां पे, ऑन। ऑन का मतलब आपने क्या बनाया हुआ है, स्टैटिक ट्रंक। डीटीपी अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। देखो सामने से पैकेट रिसीव भी हो रहे हैं और ये पैकेट्स सेंड भी कर रहा है। ये कौन से पैकेट्स की बात कर रहा है, डीटीपी पैकेट्स की। दिस थिंग इज क्लियर लेकिन किसी भी लिंक को ट्रंक बनाने पे कभी भी डीटीपी ऑफ नहीं होता। दिस थिंग इज क्लियर। अब गाइस एक और चीज दिखाता हूँ आपको। अब मैंने एक्चुअली किया क्या हुआ है, एक एंड पे हम ऑटो चला रहे हैं, इस एंड पे क्या चल रहा है, और इस एंड पे स्टैटिक क्या बना रखा है, ट्रंक। ये ट्रंक अप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, डीटीपी। अगर मैं यहाँ पे डीटीपी को क्या कर दूं, ऑफ, तो ट्रंक क्या हो जाएगा, डाउन। ट्रंक क्या हो जाएगा, चलो जी ये चीज वेरीफाई करते हैं। आ जाओ इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 डीटीपी बंद करने के लिए स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। अब देखो जी, शो डीटीपी इंटरफेस FA0/ क्या चला रखा है आपने, नो नेगोशिएट। इसका मतलब डीटीपी आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, बंद। डीटीपी मतलब बंद, मतलब ये पैकेट कभी भी सेंड नहीं करेगा, लिखा भी आ गया यहां, वन पैकेट ड्रॉप्ड। मैं पैकेट कभी भी रिसीव भी नहीं करूंगा। चलो जी स्विच वन पे अब ट्रंक गिरता हुआ देखोगे आप। अभी 21 और 22 किसमें पड़े हैं, कितनी देर लगेगी ट्रंक डाउन जाने में, 300 सेकंड। ट्रंक बना हुआ, सामने से डीटीपी मैसेज नहीं आएगा तो कितनी देर बाद डाउन होएगा, 5 मिनट, ठीक है जी। क्योंकि सामने मैंने क्या कर दिया, नो नेगोशिएट, सामने वाले एंड पे डीटीपी को क्या कर दिया, डिसेबल। बिल्कुल, भाई अपना मोड वो ऑटो भेज रहा, क्यों बनाएगा वो ट्रंक। मैं अपना मोड क्या भेज रहा हूँ ऑटो, आप भी अपना मोड क्या भेज रहे हो ऑटो, मैं क्यों बनाऊंगा ट्रंक। जब तक आप अपना मोड डिजायरेबल नहीं भेजोगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा आप कनेक्शन को क्या करना चाहते हो, इनिशिएट। आप ट्रंक को क्या करना चाहते हो, इनिशिएट। जब हमारे एक तरफ स्टैटिक है, एक तरफ ऑटो है, इनिशिएट कौन कर रहा है,
ट्रंक ट्रंक इनिशिएट कर रहा है ना, उसका मोड खुद का क्या मोड है? ट्रंक, उसने इनिशिएट किया और तो वो कहा मैं ट्रंक बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्या हूँ ट्रंक। इस केस में मैंने डीटी भी क्या कर दिया ऑफ, देखो यहाँ पे डीटी भी रनिंग है, यहाँ मेरा मोड क्या है ऑटो। पांच मिनट लगेंगे यार इसको डाउन करने। मैंने यार वो क्लियर सीडीपी टेबल चलाई थी, दैट वाज नॉट डीटीपी, और क्लियर डीटीपी होती है राउटर को, नहीं होती क्लियर डीटीपी ऐसी बात, ये होती है। पता नहीं क्या होता शो इंटरफेस अभी भी डाउन नहीं गए, वेट कर लो यार, 55 पे तो देखा ही था, 8 बजे तक डाउन चले जाएंगे, 4 मिनट और वेट कर लो। सर मैंने वेरीफाई नहीं किया चीज, मेरे पास कोई नया स्विच आया नहीं, बहुत टाइम हो गया, यही है 37-50, 35-50, 37-50 और बहुत पुराने। अब मेरे ऑफिस नया बन रहा है तो क्या पता नए स्विच भी हैं। देखो आउटपुट पैकेट चेंज हो रहे हैं, इनपुट पैकेट कोई चेंज नहीं हो रहे क्योंकि सामने वाली तरफ से कोई पैकेट क्या मतलब फिर चेंज हो गया 49 हो गया। तो 21 बाइक ट्रंक से गायब हो जाएगा पूरे 5 मिनट के बाद। हो गया भाई कुछ गलत तो नहीं देख रहे थे ना, देख लो एक बार। ठीक है भाई 21-22 यहाँ पहले था, आप दिख रहा नहीं क्योंकि कोई ट्रंक फॉर्म नहीं। किसी ने MSTV भी चला रखा है इस पर, ठीक है लीव इट, ये हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। फाइन तो एक प्रैक्टिकल आपको खुद वेरीफाई करना है, बता देता हूँ क्या करना है उसमें आपको। स्विच वन स्विच टू VTP डोमेन नेम सिस्को, VTP डोमेन नेम सिस्को 1-2-3 चेक कर लेना, कभी भी ट्रंक नहीं बनेगा, ट्रंक विल नॉट फॉर्म। फिर क्या करना, दोनों एंड पे DTP को डिसेबल करना और ट्रंक कैसा बना देना मैनुअल, और क्या बन जाएगा दोनों एंड पे ट्रंक, और सही काम भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू हैव टू वेरीफाई दिस थिंग, आपको वेरीफाई करनी है चीज। ये था आपका DTP का प्रैक्टिकल। कल VTP शुरू करेंगे, इसके क्वेश्चंस हो गए थे ना।
और कुछ इसमें? हाँ यार, अलाउड वीलन का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अलाउड वीलन पढ़ा था हमने। स्विच वन, स्विच टू, यहाँ कौन कनेक्टेड है? आर वन। यहाँ कौन कनेक्टेड है? आर टू। एक बार क्या करता हूँ, दोनों को वीलन टेन का मेंबर बना लेता हूँ और आपको कम्युनिकेट करके दिखा देता हूँ। फाइन, कोई प्रॉब्लम? दोनों को क्या बना लेता हूँ? वीलन टेन का मेंबर और कम्युनिकेशन करवा के दिखा देता हूँ। जब कम्युनिकेशन हो जाएगी फिर वीलन टेन को क्या करा दूंगा, पोर्ट से डिसअलाउ और फिर कम्युनिकेशन स्टॉप करके दिखा दूंगा। ठीक है जी, तो स्विच वन पे आ जाओ। पहले तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 स्विच पोर्ट मोड शो इंटरफेस। अब क्या 21 और 22 दोबारा क्या बन गया? ट्रंक। ठीक है जी, अब देखो शो इंटरफेस ट्रंक, इस आउटपुट को रीड करो। ये क्या लिखा हुआ है? वीलेंस अलाउड ऑन ट्रंक। बाय डिफॉल्ट ट्रंक लिंक पे सारी वीलन अलाउड होती हैं, जितनी भी स्विच पे आप क्रिएट कर सकते हो। फाइन, सेकंड चीज, सेकंड थिंग, वीलन अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन। क्या बता रहा है? अलाउड कौन सी है और एक्टिव कौन सी है मैनेजमेंट डोमेन में। थर्ड थिंग, वीलन इन फॉरवर्डिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट एंड नॉट प्रूंड। ये नॉट प्रूंड और स्पेनिंग ट्री वाला रिजल्ट देखेंगे जब बीटीपी पढ़ेंगे। फाइन, शो रन इंटरफेस F0/ कौन सी वीलन में डाला हुआ है? पहले से ही है तो इंटरफेस F0/1 नो। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन कौन सी में डाला हुआ है? 100 में डाल दिया मैंने। ठीक है, वीलन 100 क्रिएट भी कर देता हूँ स्विच पे। स्विच टू पे चलता हूँ, अब यहाँ भी कौन सी वीलन क्रिएट कर लेता हूँ? वीलन 100। और आर टू कौन से पोर्ट से कनेक्टेड होगा? 0/ वीलन। कोई प्रॉब्लम? अब आर टू को ऑन भी तो करना है भाई, आर टू को ऑन यहाँ जाके करेंगे। देखो या कौन सा राउटर ऑन पड़ा है, आईपी दे लें इसको पहले। क्या कर दिया R1 पे? नो आईपी राउटिंग, गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सेम नेटवर्क में पिंग कर रहा हूँ। इस पे आ गया R2। देखो जी R2 को कैसे एक्सेस करना है, क्लियर लाइन 34 R2 आ गया जी। R2 का एक्सेस भी पोस्ट नेम R2। R2 को कौन सा बोर्ड स्विच वन के साथ कनेक्टेड है? 10.0.0.2 नो आईपी। ठीक है जी, तो ये भी पोर्ट कौन सी वीलन का मेंबर बनाना है? 100 का बना दिया, चेक कर लूँ। देखो जी कैसे वेरीफाई करूँगा ये चीज, स्विच वन पे आया पहले, ऐसे वेरीफाई करते हैं हमेशा। शो वीलन ब्रीफ, वीलन 100 का मेंबर बना रखा है, किसको किसको? वन को बनाना था मुझे, मुझे वन से मतलब है, बना रखा मैंने। ठीक है जी, अब मैं किस पे आ गया? टू पे। शो वीलन ब्री, 100 का मेंबर किसको बना रखा है? टू को। कोई प्रॉब्लम? यही करना था मुझे, आईपी भी दे दी, पिंग मार के देख लूँ R1 से R2। हो गया पिंग, 10.0.0.1 10.0.0.2 से बात कर रहा, क्योंकि दोनों यूजर किस में है? सेम वीलन। अब मैं स्विच वन पे आता हूं, सॉरी। देखो जी 19 और 20 पोर्ट पे देखो, 21 और 22 पोर्ट पे देखो वीलन 10 अलाउड पड़ी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को वीलन 10 को यहाँ से रिमूव करना है, कैसे करूँगा? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 से 22 सॉरी गलती कर दी थोड़ी सी, 0/21 से 22 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन्स। लेट्स से यार मुझे ये सारी वीलन्स अलाउड करानी है,
कौन सी वीलैन, ये सारी, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के डाल दूंगा। अब चेंज क्या आया, ध्यान से देखो, पहले कौन सी वीलैन अलाउड थी ट्रंक पे बाय डिफॉल्ट, सारी, अब कौन सी अलाउड होंगी, जो मैंने अलाउड किया वही अलाउड है, ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं सिर्फ ये कमांड कैसे यूज करनी है इसका मतलब बता रहा हूं आपको, एक कमांड अब ये थी, उसके बाद कीवर्ड देखो यहां, पहला मैंने बता दिया वर्ड, वर्ड का मतलब है आप एक लिस्ट ऐड कर सकते हो वीलेंस की जो आपको अलाउड ट्रंक पे करानी है। दूसरी बात, दूसरा कीवर्ड क्या है, ऐड, लेट से इस लिस्ट में मैं एक वीलन ऐड करना चाहता हूं, वो वीलन कौन सी है, 11, इस लिस्ट में वीलन क्या हो गई, ऐड, कौन सी ऐड कर दी मैंने, 11, फाइन। दूसरा कीवर्ड क्या, ऑल, ऑल से क्या होगा, 0 से 4094 दोबारा आ जाएगा। उसके बाद कीवर्ड क्या, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी, तो मैं एक्सेप्ट डालना नहीं चाहता, आप यूज करके देख लेना, मतलब यही होता है इसको छोड़ के बाकी सारी, नन का मतलब कोई भी नहीं, और रिमूव का मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप में से एक को रिमूव कर दो, लेट से मैं रिमूव किसको करना चाहता हूं, 10 को, मेरा मोटिव भी यही था, मैंने 10 को यहां से क्या कर दिया, देखो रिमूव, इसका मतलब अब ये यूजर बात कर पा रहा है, हाँ भाई मेरी वीलन तो 100 थी भाई, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21-22 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलेंस रिमूव, ठीक है जी, अब कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन shows spanning tree VLAN 100 interface fast ethernet 0/21, क्या कह रहा है, नो स्पैनिंग ट्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल। मैंने आपको बताया था अगर मैं एक पोर्ट से अलाउड VLAN हटा देता हूं तो उस पोर्ट पे उस VLAN के लिए HTTP इंस्टेंस चलना ही बंद हो जाता है। अब HTTP इंस्टेंस डेटा की फॉरवर्डिंग को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, जब HTTP पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है जी, बात करेंगे, याद रखना इस चीज को, बस done।